What's up everyone? Hi, मेरा नाम है हिमांशु और ये है मेरा YouTube चैनल। मुझे पता है कि आपकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं। मुझे पता है कई बार ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम कैसे अपनी लाइफ को आगे चलाएं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमें ये सब चीजें छोड़ ही देनी चाहिए बिकॉज ये हमारे लिए बनी ही नहीं। बट नहीं, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने भी अपनी लाइफ में अपनी आर्ट को लेके कुछ ना कुछ छोटा मोटा अचीव किया है, और आज मैं अपना वो सीक्रेट आप सबको बताना चाहता हूँ जिस सीक्रेट ने मुझे मेरी पहचान दी है। यस गाइस, आई एम अ लॉट इनटू रीडिंग, ट्रस्ट मी, मैं पढ़ाई बहुत करता हूँ, अभी से नहीं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, और मैं हमेशा से ये फोकस रखता हूँ अपना कि एटलीस्ट लाइफ में कुछ भी ना होना तो पढ़ने के लिए एक बुक जरूर हो मेरे पास। और आज वही एक ऐसा टाइम है जब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा थोड़ा अपसेट होता हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार अब कुछ नया डिसीजन लेने के लिए या नई कुछ चीज़ें लेने के लिए मुझे एक मेंटोर की ज़रूरत है, तो यस, मेरे पास मेरी बुक्स होती हैं और उन बुक्स से मुझे ये पता चलता है कि मुझे अपना नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। सो ये बुक्स मुझे बहुत हेल्प करती हैं, और ऐसी 6 बुक्स जो मैं कहूँगा कि एज एन आर्टिस्ट आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये बुक्स आपको आर्ट के ऊपर ही हैं, आर्ट की कोई नॉलेज देती है या पर्टिकुलरली आर्ट से रिलेटेड कुछ आपको समझाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि आर्ट को कैसे अपनी लाइफ में आपको चलाते रहना है और कैसे अपनी रोजी रोटी उससे कमानी, टू मेक श्योर दैट आर्ट से आपका लिविंग भी चले। सो यस गाइज, लेट्स जस्ट चेक आउट द वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना और आगे तक देखते रहना बिकॉज आपके लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। लेट्स गो। So before we start anything up, I think मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं किसी भी बुक का स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको। मैं उस बुक में एग्जैक्टली क्या क्या कहानी है वो नहीं समझाऊंगा बिकॉज ऑथरों ने और उस बुक के राइटर्स ने एक्चुअली बहुत मेहनत की है। ऑथर्स ने जिन्होंने और पब्लिकेशंस ने इस पे एक्चुअली बहुत तरीके से मेहनत की है, और मैं नहीं चाहता कि उनकी मेहनत जस्ट मेरे एक वीडियो की वजह से खराब हो जाए। तो आप इस बुक को खुद से पढ़ो, बट जो लर्निंग्स मैंने इसमें से ली है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहली बुक जो है गाइज, दैट इज रिच डैड एंड पुअर डैड। अब रिच डैड पुअर डैड बेसिकली आर्ट बुक नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ आर्ट से रिलेटेड आपको कहानी नहीं समझ में आएगी, बट एट द सेम टाइम उस बुक में आपको समझ में आएगा कि आप अपनी आर्ट से पैसे कैसे कमा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट दे डोंट अंडरस्टैंड कि आर्ट करके आप वो आर्ट में या तो इतना डूब जाते हैं या फिर एट द सेम टाइम उनको समझ नहीं आ रहा होता है, और फिर कहीं ना कहीं वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा उनके लिए हार्ट ब्रेक हो जाता है कि यार हमारे आर्ट से हमारा पैसा नहीं आ पा रहा, हम आर्ट से काम नहीं कर पा रहे। तो दिस बुक विल रियली हेल्प यू आउट टू अर्न मनी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर एन आर्टिस्ट स्पेशली। इन दिस बुक यू विल गेट लॉट ऑफ एडवाइसेस, यू विल गेट लॉट ऑफ चॉइसेस, और इसमें बेसिकली आपको पता लगेगा कि एक जो अमीर आदमी है वो अपने बच्चों को क्या सिखाता है और एक जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चों को क्या सिखाता है। तो ऐसा बहुत कुछ है उस बुक के अंदर, इट विल हेल्प यू आउट टू मेक मोर, लाइक इट विल गिव यू लॉट ऑफ एडवाइसेस, इट विल गिव यू लॉट ऑफ चॉइसेस। सो गाइस डोंट मिस आउट, मेरे लिए ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। आप प्लीज और प्लीज प्लीज जाकर इस बुक को जरूर परचेज करें, आपके लिए भी ये बहुत अमेजिंग बुक होगी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, बट यस डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। सो गाइस जो नेक्स्ट बुक है जो बहुत ही अमेजिंग बुक है इज द टिपिंग पॉइंट। इस बुक में बेसिकली आपको पता चलेगा कि एज एन आर्टिस्ट आप अपनी आर्ट को सेल कैसे कर सकते हैं, हाउ यू डोंट जस्ट गेट स्टक टू द वायरल पोस्ट, या आपको वो वायरल पोस्ट क्रिएट करने के लिए सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। यू हाउ यू एक्चुअली वर्क ऑन योर क्राफ्ट एंड क्रिएट एन आर्ट विच इज सोल्ड लाइक ऑन अ वेरी गुड प्राइस। सो दिस बुक विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, और ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में। इस बुक में आपको पता चलेगा कि वॉट इज That is responsible for fame. मतलब basically आपकी fame के लिए क्या चीज़ responsible है वो चीज़ आपको definitely पता चलेगी इस book में। Because इस book में एक चीज़ बहुत amazing जो मुझे particularly feel हुई वो ये हुई कि उसमें ये था कि it's not just about buying or selling, it's about creating that impact. अगर ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी product आपकी life में आपको बहुत ज़्यादा याद है, जैसे कि मैं बचपन में गुरु चेला खाता था, और वो चीज़ मुझे क्यों याद है बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ खरीदना और बेचना वो गुरु चेला मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था कि कोई उसको बेच रहा है और मैं उसको खरीद रहा हूँ, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, बट मेरे लिए जो चीज़ उस समय पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो थी कि वो जो इम्पैक्ट गुरु चेला उसका वो घुमा के ऐसे बनता था, उससे ना इट्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग एंड बाइंग इट, बट इट्स अबाउट How you create that impact as an artist. तो इस बुक में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, तो डेफिनेटली ये बुक मैं आपको जरूर रिकमेंड करता हूँ। Okay guys, so जो नेक्स्ट बुक है मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ वो बुक है लिविंग फॉरवर्ड।
ई-बुक जो बडिंग आर्टिस्ट हैं और जो एक्चुअली यू नो एस्पायर करते हैं टू बिकम एन आर्टिस्ट, उनके लिए बहुत अमेजिंग है, बिकॉज इट गिव्स यू कंप्लीट फोकस एंड एग्जैक्टली वो स्टार्टअप करने के लिए चीज़ों को कैसे सब कुछ करना है, वो चीज़ आपको इस बुक से बहुत ईजिली पता चलती है। तो यू नो कहीं ना कहीं ये बेस्ट सेलर्स में नहीं है ये बुक्स, बट एट द सेम टाइम ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी एज एन आर्टिस्ट टू एक्चुअली क्राफ्ट योर आर्ट एंड हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत तेज़ी से हेल्प होती हैं, बहुत बहुत सही तरीके से हेल्प होती है। तो डेफिनेटली ये बुक मैं बहुत जरूरी आपको रिकमेंड करता हूँ। जैसे हमारी लाइफ में क्या होता है, अगर हम पर्टिकुलरली कोई चीज़ को प्लान नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ हमसे कभी ना कभी मिस आउट हो जाती है। बट अगर हम टाइम टेबल बना के रखते हैं तो हमसे वो चीज़ मिस नहीं हो सकती। आप चाहे कितना भी चीज़ों को याद रखते हो बट हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं। तो ये बुक आपको समझाता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट आपको अपनी चीज़ों को कैसे प्लान करके रखना है ताकि कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए और वो पूरे पूरे डिजायर रिजल्ट्स आपको ज़रूर दें। डेफिनेटली एट द लास्ट ये बुक आपको जरूर बताएगी कि हाउ कैन यू प्लान योर सेल्फ, लाइक प्लान योर करियर एज एन आर्टिस्ट। तो मेरे लिए ये बुक बहुत हेल्प करी, आपको भी डेफिनेटली ये बुक जरूर एक बार रीड करनी चाहिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू आउट एंड दिस कैन बी अगेन अ गेम चेंजर। सो यस गाइस, डेफिनेटली रिकमेंडेड। ओके गाइस, सो नेक्स्ट बुक ऑन द चार्ट इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। नाउ ये बुक मैं एक्चुअली ये पहली बुक है जो मैंने पढ़ी थी ढंग से, बिकॉज यू नो मैं बिल्कुल भी यू नो रीड नहीं करता था और मुझे ऐसा लगता था कि यार रीडिंग वीडिंग काफ़ी वेस्ट ऑफ टाइम है। बट somebody रिकमेंडेड मी, वन ऑफ माई mentor रिकमेंडेड मी, उन्होंने मेरे को बोला कि यार ये बुक पढ़ के देख। बिकॉज मुझे क्या होता था ना कि मुझे मैं क्लास में बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाता था, मतलब इनिशियली मैं कनेक्ट नहीं कर पाता था, मुझे कनेक्ट करने में बहुत दिक्कत होती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इस क्लास में क्या बात करूँ, मुझे समझ नहीं आता था अगर डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं तो मैं उनके साथ कैसी चीज़ों को डिस्कस करूँ। तो इस बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया। दिस बुक विल हेल्प यू यू नो फॉर द कम्युनिकेशंस, बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। एंड इन फैक्ट दिस बुक विल हेल्प यू दैट हाउ कैन यू बिकम यू नो एप्पल ऑफ द आई, यू नो कैसे आप वो सेंटर पॉइंट बन सकते हो सब लोगों के, चाहे वो रूम में हजारों लोग हैं, चाहे वो रूम में कितने भी लोग किसी भी तरीके की बात कर रहे हो, बट आप अपने पॉइंट को कैसे सामने रख सकते हो एंड एट द सेम टाइम तुम लोगों का दिल भी कैसे जीत सकते हो, ये बुक आपको जरूर बताती है। सो गाइज डोंट मिस आउट दिस बुक, दिस इज अ मस्ट रीड मेरे लिए ये मेरी लाइफ की पहली बुक थी जो मैंने ढंग से पूरी पढ़ी थी। सो यस गाइज, ये बुक ने मुझे बहुत हेल्प किया। जो भी लोग कहीं भी इंडिया में मुझसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, गाइस दिस इज वन ऑफ द रीजन, ये बुक इज वन ऑफ द रीजन, ट्रस्ट मी। सो गो एंड रीड इट। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट बुक इज द वैल्यू ऑफ आर्ट। नाउ ये बुक में आपको हर वो कंसेप्ट पता चलेगा जो आर्ट को मार्केट स्पेस पे उतारने के लिए जरूरी होता है, मतलब कि कैसे आपको अपनी पर्टिकुलर आर्ट की प्राइसिंग करनी है, कैसे आपको उस आर्ट को किस की पॉइंट्स के साथ मार्केट में उतार के लेके आना है। बेसिकली यू कैन से दिस इज द ग्रामर, यू नो द ग्रामर ऑफ सेलिंग योर आर्ट। सो मेरे लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल थी, बिकॉज मैंने जब भी इस बुक के किसी भी पॉइंट को फॉलो किया है मुझे लाइफ में बहुत हेल्प हुआ है। सो यस गाइस, डेफिनेटली इट्स अ मस्ट रीड एंड यू शुड गो एंड डेफिनेटली चेक इट आउट, बिकॉज ये बुक इज समथिंग दैट यू नो आई पर्सनली फील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट बन चुके हैं एंड एट द सेम टाइम नाउ दे आर रेडी टू टेक देयर आर्ट टू द मार्केट। सो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो यस गाइस, डेफिनेटली अ मस्ट रीड। यस गाइस, द लास्ट बुक इज द वॉर ऑफ आर्ट। यू नो अब इस बुक के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इस बुक में बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है। इस बुक में आपको बहुत सारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन, यू नो हाउ एक्चुअली यू नो यू कैन बी क्रिएटिव, हाउ यू कैन बी इनोवेटिव इन थिंग्स, ये सब के बारे में आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको सच में बहुत हेल्प करेगी टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। डील्स विद द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ आर्टिस्ट, यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना चाहिए कि यू नो बींग एन आर्टिस्ट हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं लाइफ में, ये उससे आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा टू कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट और एक्चुअली यू नो गो आउट देयर एज एन आर्टिस्ट। सो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है उस चीज़ से। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एज एन आर्टिस्ट कुछ क्रिएट करने वाले होते हैं या फिर हम कुछ नया करने वाले होते हैं और एक्चुअली जब हमें उस पर्टिकुलर चीज़ का आइडिया आता है उससे पहले हमारी लाइफ में एक वैक्यूम होता है, यू नो हमारी लाइफ में कुछ अकेलापन होता है, थोड़ा सा चीज़ों से अलग हो जाते हैं बिकॉज हमारे दिमाग में वो प्रोसेस आने वाला होता है। सो उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे लोग तो उस अकेलेपन से बहुत बड़ा क्रिएट कर देते हैं, पर बहुत सारे लोग उस अकेलेपन से थोड़ा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं एंड दे फील अ लिटिल लोनली एंड स्टफ, अगर डिप्रेशन पे नहीं भी जाते हैं तो। सो ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा हाउ टू डील एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब आपकी लाइफ में वो वैक्यूम आ रहा है। सो यस गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, दिस कैन रियली हेल्प यू आउट। सो दिस वाज इट गाइस, ये था मेरा वीडियो अबाउट
those six books that an artist should definitely read. आपको definitely उस book के बारे में पढ़ना चाहिए and you know this is what I wanted to talk about. ये books ने मुझे बहुत help किया as an artist. मतलब कि मैं being an artist, I'm also learning psychology. I'm gonna be a psychologist very soon. I'm so happy about it. But at the same time, ये सारी चीज़ें मैंने क्यों करी? Because being an artist, मुझे ऐसा लगता है यू नो अगर हम कुछ कुछ चीज़ें उस आर्ट से रिलेटेड हम बात कर सकें. आज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यू नो डांस ठीक है, हम लोग डांस कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सर वो जो स्ट्रेस आ जाता है ना उसको हम कैसे डील करेंगे. तो दिस इज द वीडियो एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोज जो मैं बना रहा हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज. यू नो आप डांसर्स हो, आपको डांस बहुत जगह सीखने को मिल जाएगा, आई एम श्योर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा. बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक फीड आपके दिमाग को भी चाहिए, एक पर्टिकुलर फीड आपके दिल को भी चाहिए. तब जब भी वो फीड चाहिए गाइज, यू हैव टू कम बैक टू माई चैनल एंड चेक इट आउट. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत प्यार से बना रहा हूँ. सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो. और ऐसा कोई भी आर्टिस्ट जिसको ये वीडियो जरूरत है गाइज, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन था मैंने आप तक पहुँचा दिया. आपके पास पहुंच गया है तो किसी और तक पहुंचा दो जिसको जरूरत है. सो गाइज यस डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो एंड आई विल कम बैक विद अनदर पावरफुल वीडियो फॉर यू गाइज ओनली. बट एट द सेम टाइम डेफिनेटली वर्क ऑल ऑफ दिस गाइज. ये सारी बुक्स अगर आपको खरीदनी है तो ये आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स डाल दूंगा. मेक श्योर आप वहां पर जाकर वो सारी बुक्स को परचेज कर सकते हो. यू कैन रीड इट एंड एट द सेम टाइम थैंक्स मी लेटर.